सरकार भले ही शहीदों के परिजनों को तमाम सुविधाएं देने का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जब भी कोई जवान सीमा पर शहीद होता है तो शहीद के परिजनों से मिलने के लिए मंत्रियों और संतरियों का तांता सा लग जाता है। मौके पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वादे पूरे करने का वक्त आता है तो फिर कोई दिखाई नहीं देता। मेरा बेटा जब आवाता है तो इतने नेता, इतनी घोषणा, ये माता जी हो जाए, माता जी ये हो जाए, माता जी तुम बहुत अच्छी हो, जो इस बच्चा तुमने जन्म दिया हो, सब कुछ कहन, सब जने फेर में कहन, माँ पठाई हो बेटन, दिल तो कहती है, मन तो कहती है कि चारी बेटन को पठाई दे। ऐसा ही एक मामला जिले के रसूलाबाद में सामने आया है, जहां के निवासी बीसप के जवान अरविंद कुमार विमल आतंकी हमले में बीते साल शहीद हो गए थे। अरविंद के शहीद होने के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए तमाम मंत्री और अधिकारी पहुंचे थे और परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्हें तमाम सुविधाएं देने का वादा भी किया था। काफी वक्त बीत जाने के बाद शहीद के परिजन वादों को पूरा कराने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। खूब जनता आई, खूब अधिकारी आए, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, बड़े बड़े वादे किए गए, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक हम सीएम आवास, सीएम जनता दरबार, डीएम, एसडीएम, विधायक जी, जितने के मंत्री, यहाँ के सांसद जी तक, यहाँ तक हम दिल्ली भी हो आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बता दें कि यह पहला ऐसा मामला नहीं है, ऐसे कई और मामले हैं जहां देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों की शहादत को भुलाकर उनके परिजनों से किए गए वादों को भुला दिया जाता है।